हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। ताड़ तेगनूर में हाल ही में कुरान और जानमाज जलाने पर जो मामला चल रहा था उसमें जो लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें बहुत जल्द बेल मिल चुकी है। एमएलए मैडम गणेश फातिमा साहिबा ने एसपी ईशा पंत से मुलाकात भी की और ताड़ तेगनूर के मामले पर बात भी की और उनसे बात की कि जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए था उस तरह से एक्शन नहीं लिया गया है। अगर जल्द से जल्द इन पर ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस नहीं डालकर इन्हें सज़ा नहीं मिलेंगी, एमएलए मैडम गणेश फातिमा साहिबा और कांग्रेस इस पर स्ट्रांग विरोध करेगा। साथ साथ मुजम्मिल जो 2 सालाना लड़का जिसका बुरी तरीके से मर्डर किया गया है, उन्होंने कहा कि वो कंटिन्यूसली टच में है और जल्द से जल्द उस पर भी इंसाफ मिलेगा, वरना एक बड़े प्रोटेस्ट करने की बात चल रही है। इस मौके पर एमएलए मैडम गणेश फातिमा साहिबा और एडवोकेट वाहज बाबा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबुल फर्नीचर, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल एंड बाय एसआर कॉन्टिनेंटल होटल। मिस्टर साहब से मुलाकात की हम लोग इसके बारे में, तो उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को फिर से रिमांड देंगे, अरेस्ट कराएंगे, उन लोगों को उन लोगों की बेल कैंसिल कराएंगे, करा के फिर से उन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट कराएंगे। अलन की दरगाह को लेकर क्या डिस्कशन? अलन की दरगाह को लेकर हम लोग एसपी मैडम के पास गए थे, उनको मेमोरेंडम दिए हैं उनको कि वहाँ पे फिर कम्युनल राइट्स नहीं होना कुछ भी, तो उन्होंने भी वहाँ पे विजिट किया है और उन्होंने हमको एश्योरेंस दिया है कि आइंदा कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी। इंशाल्लाह जी हाँ, मुजम्मिल के लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है, उन पर वहाज बाबा भी बात कर रहे थे हमसे कि जल्द से जल्द उसका मसला हल करना चाहिए, क्योंकि 20-25 दिन हो गए मसलों, तो इसीलिए मैं हम लोगों ने उन पर काफ़ी प्रेशर डाला है और उन्होंने ऑफिसर को भी चेंज किए हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इसका नतीजा निकलेगा, उसके नहीं है तो हम लोग ये भी कह के आए हैं कि अगर जल्द से जल्द नतीजा निकला तो हम लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे। और तेगनूर की मस्जिद गफ्फार का जो मसला, वहाँ पर जो गुंडा एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स ताला तोड़ कर कुरान मजीद को जलाए थे, उसके खिलाफ हमने FIR करवाई थी, वो अननोन FIR थी और 24 आवर्स में कल्प्रिट को आइडेंटिफाई किया, उन्हें फिक्स कर जेल को भेजा गया। उसमें थेफ्ट, ट्रेसपासिंग, कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के सेक्शंस, ऐसे सेक्शंस लगाए गए थे, मगर फिर भी उसे सिर्फ 1-2 दिन में छोड़ दिया गया। हमने सिर्फ कमिश्नर साहब ने जो एश्योरेंस दिया था हमें कि आप इतना सेंसिटिव इशू को इतना पीसफुल तरीके से हैंडल कर रहे हैं, इसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं और आपको एश्योर कराते हैं कि कल्प्रिट को हम स्ट्रॉन्ग सेक्शंस के तहत अंदर भेजेंगे। तो वही बात लेकर आज फिर कमिश्नर साहब के पास हम आए और आकर उनसे पूछा कि आपने एश्योर कराया था हमें, आपने भरोसा दिलाया था हमें कि आप कल्प्रिट को अंदर भेजेंगे स्ट्रॉन्ग सेक्शंस के तहत, मगर 24 आवर्स में दो दिन में कल्प्रिट बाहर जाता है तो फिर क्या मैसेज जाएगा सोसाइटी में। तो कमिश्नर साहब ने इमीडिएटली अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन को हमारे सामने बैठकर डायरेक्शन दिया, बेल कैंसिलेशन करने का डायरेक्शन दिया और हमने डिमांड किया कि 120B, 153A गुंडा एक्ट के तहत उसे फिक्स किया जाए, तो एश्योर कराया है कि 8-10 दिन में फिर से उसकी बेल कैंसिल कर ये तमाम सेक्शंस उसके ऊपर फिक्स कर फिर से 8 दिन में जेल को डाला जाएगा। अगर नहीं डाला जाएगा तो गुलबर्गा में मोहतरमा गणेश फातिमा साहिबा की लीडरशिप में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। अलन की दरगाह को लेकर क्या इशू है बाबा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कांग्रेस का एक MLA है, उंगलियाँ उठाई जा रही है कि भाई एक MLA के होते हुए आसपास के गाँव में ये चीज़ें हो रही है, क्या MLA का काम नहीं बनता कि ऐसी चीज़ों को रोकना? वही इमीडिएटली मोहतरमा गणेश फातिमा साहिबा ने MLA साहब 0 आवर्स में जो इशू को रेस किए, इररिलेवेंट, अननेसेसरी, अपने नाकामियों को छुपाने के लिए ज़िंदगी में पहली मर्तबा यही इशू रेस किए जिससे रिलीजियस हारमोनी डिस्टर्ब हो। बचपन से लेकर अभी तक उन्हें हम ये समझते हैं कि पार्टी कोई भी हो मगर हो सकता है सेकुलर है, हम ये समझते थे कि जो दरगाह के वही दरगाह के उरस में बचपन से लेकर अभी तक आते थे टोपी पहनकर। तो आज उनकी जो बयान हमने देखा है बड़ा शॉकिंग था। मैं बार बार अपील कर रहा हूँ अलन के MLA साहब से, अगर आप कहीं पे मिसगाइड हुए हैं, जो आप अपने बयान में कह रहे हैं कि जजमेंट आया है, आप जजमेंट को पब्लिक के सामने लाइए, हमें भी बताइए
हाउस में लेकर जाकर बताइए। इस तरीके से आप मिसगाइड करना सोसाइटी को खत्म कीजिए, क्योंकि इससे नफरतें बढ़ेंगी। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबुल फर्नीचर, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल एंड बाय एसआर कॉन्टिनेंटल होटल।